रैली से संदेश ये जा रहा जो भारत की भूमि पे रह के भारत के सारे संसाधनों का उपयोग करके और भारत की जनता के खिलाफ बैठ के सारा काम कर रहे हैं, तो उसके विपरीत है सीएए के समर्थन में। ये रैली सीएए को समर्थन करती है, जो हमारे भाई हैं जो कि जब बंटवारे के समय रह गए थे, आज उनको परेशानी हो रही है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और उनको अगर बैठी भी आना चाहते हैं तो केंद्र सरकार ने ये सारे विधानसभा से भी और तुम्हारा संसद से भी और राज्यसभा से दोनों से पास करा के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा एक कानून बनाया। केवल ये कानून है जो आना चाहता है, परेशान है, उसको यहाँ पे नागरिकता दे दी जाए, इसके समर्थन में हम लोग हैं। उसके लिए हम ये रैली निकाल रहे हैं, उनकी जागरूक जनता को करने के लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि सारी जनता भी जागरूक हो, इस बात को समझे कि उनका दर्द को समझे, उनकी पीड़ा को समझे, और उसके लिए हम लोग शाहीन बाग कहाँ क्या करेंगे आप लोग जाकर वहाँ? शाहीन बाग के लिए हमारा मेन उद्देश्य ये है कि वहाँ पे आए दिन छोटे बच्चे पेपर देने जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, महिलाएं जाती है, अपोलो हॉस्पिटल बाजू में है, वो बीमार लोग जाते हैं, बुजुर्ग जाते हैं, व्यापारी जाते हैं, सारे लोग जाते हैं, तो आए दिन परेशानी है। उस चीज को खत्म हो, ये खाली हो, ऐसा करके हम लोग इस बात को संदेश देना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और दोनों सरकारों से आग्रह करना चाहते हैं कि इस चीज को जल्दी से जल्दी वहाँ से खाली कराएं। बात नहीं बनी तो आगे आप लोग क्या कदम रहेगा? बात ये नहीं करी, देखो बात बनी और नहीं बनी सरकार की बात अलग है, समाज की बात अलग है। ये चीजें सरकार जब जनता अपनी जागरूक होगी, अपना निर्णय लेगी, अपनी बात करेगी, तो सारे काम आगे बढ़ेंगे। अभी फिलहाल सरकार से ही हम कहना चाहते हैं कि आप इसको काम को देखें, इसकी महत्ता को समझते हुए बहुत जल्दी समय में सही बात